नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, हेलो। मैं हूँ रिचा। दीवान विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रिचा, सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रीकी हीलर एंड आई एम अ फुल टाइम ब्लॉगर। मेरे दो ब्लॉग्स हैं, ए वी रीडर्स पैराडाइज विच इज लाइक द टॉप रिजल्ट। आप सर्च करोगे तो सबसे पहला रिजल्ट आपको आ जाएगा। और 6 साल से चला रही हूँ मैं ये ब्लॉग, विच इज़ ओके। एंड देन आई हैव द ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब विच इज़ इन अ नेशनल स्टेज, अभी शुरुआत करी है इसकी मैंने। तो इसके अलावा आई वुड से कि मैं टैरो रीडिंग्स करती आ रही हूँ पिछले 2 साल से। और मुझे कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसिस मैं देख रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ काफ़ी सालों से, मोर देन 5 ईयर्स नाउ। तो इसने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे टैरो रीडिंग्स फुल टाइम करनी चाहिए, तो मैं इसलिए ये रीडिंग्स लेकर आई हूँ। और आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही ऑस्पिशियस टॉपिक है, ऑस्पिशियस ओकेजन है। सबसे पहले तो आप सबको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं एंड अक्षय तृतीया की बधाई आप लोगों को, ठीक है। एंड हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू। एंड आज के लिए जो टॉपिक है, साईं बाबा के लिए, साईं बाबा की तरफ से आपके लिए अक्षय तृतीया की तरफ से संदेश, सॉरी ओके। साईं बाबा आपसे अक्षय तृतीया के उपलक्ष में क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपको क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे आपको पता है मैं बोनस रीडिंग्स करती हूँ, पहली रो आपको बताएगी कि क्या संदेश है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए आज के दिन, यानी कि अक्षय तृतीया के उपलक्ष में, अवसर पर। और दूसरी रो आपको बताएगी कि क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में। और ये कार्ड जो है प्री शफल कार्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं देखती हूँ काफ़ी लोग जो है जब मैं कार्ड शफल करने बैठती हूँ लाइव, तो लोग बहुत ज़्यादा इंपेशेंस दिखाते हैं, कुछ गलत गलत बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे जब गाइडेंस आती है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि मुझे लाइव शफल करना चाहिए, मैं तब लाइव शफल करती हूँ, नहीं तो मैं प्री शफल करके रख देती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे पसंद है, ठीक है। एंड किसी तरह के अपशब्द मेरे चैनल पर अलाउड नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, यहाँ पे एंजल्स हैं यहाँ पे, और बहुत सेक्रेट स्पेस है यहाँ पे, भगवान का स्पेस है यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप प्लीज़ इग्नोर कर सकते हैं, या आप दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए होली स्पेस है, भगवान का स्पेस है यहाँ पे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए मैं आती हूँ। तो और मेरी रीडिंग्स अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना ज़्यादा मेरे लिए तारीफ करते हैं, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हो, मुझे दुआएं करते हो मेरे लिए, प्रे करते हो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग छोटी छोटी कमियों को इग्नोर कर देते हो, वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाह रही थी, कहना चाह रही थी आपसे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। भगवान सद्बुद्धि दे सबको, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स, ठीक है। पाइल नंबर 1 इज दिस एंजल आंसर्स डेक कवर, एंजल आंसर्स, ठीक है। आप कलर के हिसाब से भी देख सकते हो, गोल्डन कलर, ठीक है। पाइल 1 इज दिस गोल्डन कलर, पाइल 2 इज दिस पिंक कलर, रोमांस एंजल्स, पाइल नंबर 3 इज साईं बाबा, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, ओके, साईं बाबा येल्लो कलर, ओके। चलिए, तो ये पाइल नंबर 1, अगर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 गोल्डन कलर, पाइल नंबर 2 इज दिस पिंक कलर, पाइल नंबर 3 इज दिस येलो कलर, साईं बाबा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 में वी हैव एंजल्स, पाइल नंबर 2 में वी हैव रोमांस एंजल्स, पाइल नंबर 3 में वी हैव साईं बाबा, ओके। तो दिस इज सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। चलिए, और जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आस्क द यूनिवर्स, द गॉड एंड खुदा एंड यू नो टू गाइड यू टुवर्ड्स द राइट पाइल, राइट डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाए, राइट पाइल की तरफ आपको ले जाए, ठीक है। चलिए, मैं शुरुआत करूँगी पाइल नंबर 1 से, ऑब्वियसली ओके। आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा की तरफ से अक्षय तृतीया के अवसर पर? हमारे पास है बी असर्टिव, बींग टू गुड इज नॉट द आंसर, बींग असर्टिव इज। देन वी हैव साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, साइलेंस। बहुत ही ऑपोजिट कार्ड्स आए हैं, वैसे कॉन्ट्रोडिक्टरी कार्ड।
एक्चुअली बहुत ही ऑपोजिट कार्ड्स आए हैं, कॉन्ट्रोडिक्टरी कार्ड्स हैं। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग भी ये कहेंगे कि ये मैसेज तो बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन साईं बाबा ने आपके लिए गाइडेंस मैसेज भेजा है, खुद आपके लिए संदेश भेजा है, और आपको क्या चाहिए। बी असर्टिव का मतलब क्या होता है? बी असर्टिव साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि किसी इतना भी अच्छा आपको नहीं बन जाना चाहिए कि लोग आपके ऊपर कदम रख के चले जाएं। ये इसका मतलब है। बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर। अपने हक के लिए बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप एक पुशओवर हो, या आप एक वर्ड होता है इंग्लिश में डोमैट, इतने अच्छे हो कि आप दूसरों को खुद से पहले रखते हो, दूसरों का इतना ख्याल रखते हो, अपने बारे में नहीं सोचते हो, लोग आपसे जो मर्जी बोल के चले जाते हैं, ऐसे इस चीज़ को आपके हाथ में है। यू हैव द रीन्स टू चेंज दिस, टेक द रीन्स इन योर हैंड्स टू चेंज दिस। आपके हाथ में इसकी कमान है, आपने बदलनी है ये चीज़। कैसे बदलोगे? अपने हक के लिए जब जरूरत पड़े बोलना। कोई बात गलत है तो गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, लेकिन इस तरह से कि किस आपकी बात भी पूरी हो जाए और आपको कोई नुकसान भी ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साइलेंस। साइलेंस का असर्टिव एक तरफ जब साईं बाबा हमसे कह रहे हैं कि आपने अपने हक के लिए बोलना है, तो हमारे पास साइलेंस का कार्ड क्यों आया है? इसलिए आया है, मैं बताती हूँ। साइलेंस का कार्ड इसलिए, हर सिचुएशन में बोलना, हर सिचुएशन में अपनी राय देना, हर सिचुएशन में कोई किसी ने अगर आपको कुछ मतलब कुछ अगर आपको कोई अटैक करना चाह रहा है वर्बली, आपको कुछ बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो अपने हक के लिए बोलिए, लेकिन कब आपने चुप रहना है, कब आपने बोलना है, इसमें फ़र्क समझिए। कई बार आपकी साइलेंस बहुत बड़ा जवाब दे जाती है सामने वाले को, जो जवाब शब्द भी नहीं दे सकते। तो कब आपने चुप रहना है, कब आपने बोलना है, इस चीज़ का फ़र्क समझिए। ये आपसे साईं बाबा कहना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार अगर आप चुप भी रहते हो ना, तो सामने वाले को आपकी गलती का, अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन आपने ये सोच के चुप नहीं रहना कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आपने अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपनी, कई बार ऐसा कोई बात होती है कि अगर आप कुछ बात बोल दोगे तो आपकी रिस्पेक्ट चली जाएगी, अगर आप चुप रहोगे तो आपकी रिस्पेक्ट रह जाएगी, समझ रहे हो आप? अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों में होती है। तो ये इस बात का मतलब ये है, ठीक है? कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये आपने सीखना है, ठीक है? साईं बाबा आपको ये बैलेंस समझाना चाह रहे हैं कि आप असर्टिवनेस का और साइलेंस का फ़र्क, बैलेंस क्रिएट करके रखिए, ठीक है? चलिए, भूल चुक माफ, कुछ गलत हो गया हो तो। देन वी हैव आपके लिए बदलाव क्या आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अब हम आपको, मैं आपको ये बताऊंगी। एक कार्ड आया है हमारे पास इसमें जो 100 कार्ड्स के बराबर है। खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में, खुशियाँ। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? क्योंकि सैडनेस एंड ग्लैडनेस कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब, सैडनेस एंड ग्लैडनेस कार्ड रिवर्स में आने का मतलब क्या होता है? सबसे सैडनेस एंड ग्लैडनेस अपराइट आता है, इसका मतलब सुख दुख चलते रहेंगे आपकी लाइफ में, दुख भी आते रहेंगे, यू नो, खुशियाँ ऐसी होंगी जैसे स्प्रिंकल, बहुत कम, ठीक है? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़। लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है, इसका मतलब आपकी लाइफ में आपने बस बहुत दुख देख लिए, अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो ये पॉजिटिव चेंजेस थे आपकी लाइफ में क्या आने वाले हैं अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में, उसके अवसर के बाद, ठीक है? तो अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 1, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और आपको लगता है किसी को रीडिंग देखने की ज़रूरत है, तो उनके साथ रीडिंग शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और सब जगहों पे शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 1, हैप्पी अक्षय तृतीया टू यू। अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं आप सब लोगों को, ठीक है? चलिए, हम आपको पहले बताएंगे कि क्या आपकी संदेश है, साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं अक्षय तृतीया के अवसर पर, ठीक है? हमारे पास है सबसे पहला कार्ड डिटैचमेंट। बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। लेट दीज नो लॉन्गर कंट्रोल यू।
तो जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था पिंक कलर का रोमांस एंजल्स, देखते हैं आपके लिए। मैंने आपको जैसे बताया कि क्या मैसेज था, डिटैचमेंट सबसे पहला कार्ड है, डिटैचमेंट, ठीक है। मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी इसका। फिर हमारे पास है ऑल इज वेल, फिर हमारे पास है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, फालतू में फिक्र कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास है डिवाइन वननेस, बहुत खूबसूरत कार्ड होता है ये, देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके लिए पाइल नंबर टू। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुलाइजेशंस एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ये आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑल इज़ वेल, एक कोई असेंडेड मास्टर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं। असेंडेड मास्टर्स क्या होते हैं, यू कैन गूगल इट, असेंडेड मास्टर्स आर लुकिंग आफ्टर यू, ठीक है। आप जो फिक्र कर रहे हो, ये आपकी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स सोच है, सेल्फ क्रिएटेड सोच है आपकी, सब कुछ ठीक है, फिक्र मत कीजिए, जस्ट लेट लूज, जस्ट ओके चिल, ठीक है। फिर हमारे पास है डिटैचमेंट, डिटैचमेंट के बाद डिवाइन वननेस का कार्ड आया, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक हेल्दी डिटैचमेंट बनानी है चीज़ों से और लोगों से। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों से दूर भागो, नहीं, आपने इस तरह से डिटैचमेंट बनानी है कि कोई आपको कंट्रोल ना कर पाए, कोई चीज़, कोई पर्सन आपको कंट्रोल ना कर पाए, इतनी हेल्दी डिटैचमेंट। आपको कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। डिवाइन वननेस, प्रभु परमात्मा सिर्फ एक है, उनके रूप अलग अलग हैं और हम सब उनके बच्चे हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। सॉरी द बैटरी ऑफ माई फ़ोन इज़ वेरी लो, तो मैं जल्दी जल्दी रैप अप करूँगी ये रीडिंग्स, क्योंकि किसी भी वक्त बंद हो सकती है। कर्मा, कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। आपके साथ आपकी जो कार्मिक साइकिल है, वो टाइम फीलिंग की, वो कम्प्लीट होने वाली है। तो जो भी गलत हो रहा था वो कर्मा की वजह से गलत हो रहा था, अब सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। मास्टर्स विल, वट एवर यू गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। जिसमें मैंने आपसे अभी कहा कि जो हो रहा था वो परमपिता परमात्मा ने कुछ लेसन्स, आपके सोल के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पूरे होने होते हैं, उस चक्कर में आपकी कुछ सफरिंग लिखी होती है। लेकिन अब मास्टर्स विल कार्ड रिवर्स में आया था, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी की कमान अब आपके हाथ में है, ठीक है। आप क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड भी आया है हमारे पास, आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे वैसा आपकी लाइफ में होगा, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, खुशी आने वाली है आपकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जॉब भी हो सकता है, जॉब चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, जॉब मिलने वाली है, समथिंग लाइक दैट, पॉजिटिव चेंजेस हैं, ठीक है। आपने विजुलाइज करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है आपने, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर थ्री की तरफ। पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने साईं बाबा का कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है, देखते हैं आपके लिए साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास है धुनी, ओके, धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर्स, हर्ट, जेलसी एंड डिजीज़ इन माय धुनी। एक सेक, जैसे हम लोहड़ी पे एक होली फायर जलाते हैं ना, वैसे होली फायर जला के उसमें अपनी सारी चिंताएं, डर, गुस्सा, हर्ट, दुख, ईर्ष्या और बीमारियां, इस तरह से उसमें आप डाल दीजिए विजुअली। इसको ये स्पिरिचुअल टेक्निक होती है कि आपकी जो सारी ये नेगेटिव चीज़ें हैं एक एक सोच के, कि वो उसमें बर्न हो रही हैं, उसमें जा रही हैं, उसमें जल के राख हो रही हैं, ठीक है। और उसमें से साईं बाबा की ब्लेसिंग्स आपके अंदर आ रही हैं, आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। रिपीटेशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड सब्सिक्वेंट लाइफ आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। जब तक आप अपने लेसन नहीं सीखोगे, तब तक जो चीज़ें आपके साथ पिछली लाइफ में होती आ रही थी, अब भी होती आ रही, वो होती रहेंगी। तो अपने लेसन सीखिए। कैसे सीखने, आपने सोचिए कि कौन सा पैटर्न है जो आपके साथ रिपीट होता रहता है, वो आपको क्या सिखाना चाह रहा है, इस तरह से। मेडिटेशन करनी है आपने, ओम चैंटिंग करनी है आपने, ठीक है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है कि आपने नेचर की साउंड्स चलाइए, टेंपल बेल्स की साउंड्स चलाइए, इसको आपने 15 मिनट ले जाइए आंखें बंद करके, और टेंपल बेल्स, नेचर साउंड, ये सब ओम चैंटिंग, ये सब चलाइए। हनुमान चालीसा पे मेडिटेट कर सकते हो आप, एक बार हनुमान चालीसा लाउडली बोलिए, गायत्री मंत्र 11 बार बोलिए, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। वाउज एंड प्रोमिसज, आपकी फैमिली ने अगर कोई वादे किए थे, मन्नत मांगी थी और पूरा अगर आप भूल गए हैं तो उसको पूरा कर दीजिए, साईं बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या चेंजेस आने वाले हैं।
तो क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में? 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल. देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग. वाओ, डिवाइन टाइमिंग, आपकी जो भी विश है, जो तमन्ना है, वो डिवाइन टाइमिंग पे पूरी होगी. ठीक है. डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड. इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इट विल कम, डेफिनेटली कम टू यू. आपके लिए जो चीज़ बनी है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. जो चीज़ आपके लिए बनी है, जो पर्सन आपके लिए बना है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता. वो आपके पास ही आएगा, तो इसलिए डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है. कट, क्लियर एंड कैंसिल. कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट. पास्ट की जो मेमरीज हैं उनको कट, क्लियर और कैंसिल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए उनको. मैं मानती हूँ मुश्किल होता है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपको दुख पास्ट से मिले हैं, अपने भूतकाल से, पास्ट से आपको जो दुख मिले हैं, उनको आपने रिलीज कर देना है, उनको आपने कट, क्लियर, क्लेंस करना है. ठीक है, कि जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अब मुझे, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मैं प्रेजेंट में जीती हूँ. ठीक है. तो एक इंग्लिश में सेइंग थी, मैं इस नोट पे आपको छोड़ के जाऊंगी, कि इवन पास्ट नॉक्ड ऑन माय डोर, फ्यूचर सेड रिचर लिव्स इन प्रेजेंट नाउ, शी इज नॉट, हर एड्रेस हैज चेंज्ड. ओके. सो ये थोड़ा इधर उधर कर दिया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाह रही हूँ. व्हेन पास्ट नॉक्स ऑन योर डोर, टेल देम माय एड्रेस हैज चेंज्ड, आई लिव इन द प्रेजेंट नाउ, दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है. चलिए, ये थी अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में, उनके अवसर पे आपकी लाइफ में साईं बाबा की तरफ से ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और क्या चेंजेस आने वाले हैं. अगर आपको अच्छी लगी हुई रीडिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. मच एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू. मच लव टू यू.